हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, मैं आई हूँ छत पर और ये देखिए मेरा लेवेंडरी, और इसमें अब फिर से ये छोटे छोटे पत्ते आने लगे हैं। तो मैं इसकी सफाई करने आई थी। जो मैंने मेथी लगाई थी वो सब मैंने जहाँ से तोड़ ली है, तो इस मिट्टी की अच्छी तरह से मैं उड़ाई कर दूंगी। और क्योंकि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये ग्रो नहीं कर रहा था, अब मैं इसकी सफाई कर दूंगी तो फिर ये अच्छे से जहाँ साफ़ हो जाएगा। तो मैंने जहाँ की सारी सफाई कर दी है, मेथी मैंने तोड़ ली है, तो मैंने सारी मेथी तोड़ ली है क्योंकि इस बूटे की जो उड़ाई थी नहीं हो रही थी मिट्टी की, तो क्योंकि उड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, तो तभी पौधों को भी खुराक मिलती है। तो मैंने सारी मेथी तोड़ ली है। तो मैं मेथी तो तोड़ ली थी, मैंने सोचा कि चलो मैं सुबह को आलू के पराठे बनाने हैं तो उसमें डालूंगी। तो ये मेथी हैगी तो बहुत अच्छी थी, मगर इसमें तेला लगा हुआ था, जो छोटे छोटे काले से कीड़े होते हैं वो लगे थे, तो मुझे फिर अच्छी नहीं लगी, मैंने फेंक दी। तो ये देखिए, जो ये थर्माकोल का पीस था, जो दो पीस निकले थे जो हमने बिजली वाला चूल्हा लिया था, तो इसमें मैं अब दोपहर खिड़ी ऐसे लगा दूंगी। मेरे पास पड़ी थी तो मैंने पहले मिट्टी डाल दी है इसमें, जो ऊपर से मैं ये दोपहर खिड़ी लगा दूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी ग्रो करती है तो जल्दी हो जाती है ये। तो फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूंगी, और जो दूसरा पीस है उसमें मैं कुछ और बीजूंगी। तो अभी डिसाइड नहीं किया है कि मैं उसमें क्या लगाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने ये अच्छी तरह से लगा दिया है, तो ये बहुत अच्छी होगी। तो पहले ऐसे ही थे, किसी टूटे हुए बर्तन में ही रखी थी मैंने, तो अभी मैंने इसको पानी लगा दिया है, तो जब फूल निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये लगा दी है मैंने, और इधर मेरे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ये दोपहर का टाइम है, मेरे हस्बैंड आए थे खाना खाने। तो ये देखिए, मेथी तोड़ने से पहले ये ऐसी थी, तो मैं जड़ से ही इसे उखाड़ लूँगी। तो बहुत अच्छी थी मेथी, देखने में बहुत सेहतमंद थी मेरी मेथी, मगर इसमें हम तो पंजाबी में कहते हैं तेला लगा हुआ था, जो काले काले से होते हैं कीड़े वो थे, तो अच्छे नहीं लगे। तो मैं सारी ये कर लूँगी साफ, और इससे मैं कर दूँगी उड़ाई। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है, तो मेथी की वजह से नहीं उड़ाई हो रही थी, तो आज मैं छत पर आई थी तो ये काम भी कर दिया। तो मैं मेथी नीचे ले आई थी, तो मैं इसकी सफाई करने लगी थी, मगर इसमें बहुत ही काले काले कीड़े से लगे थे। कोई भी ऐसा पत्ता नहीं था कि ना लगे हो, तो मैंने इसे फेंक दिया है। नहीं, परौठों में डालूंगी मैं, पहले मुझे लगता परौठों में डालूंगी। तो अभी शाम के बजे हुए हैं 5, तो मुझे गोभी चीर कर रखनी है, क्योंकि मैं गोभी नहीं बनाऊंगी, गोभी मेरे हस्बैंड बनाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे हाथ की गोभी बड़े वाला तो बिल्कुल नहीं खाता, तो उसके पापा इतनी टेस्टी आलू गोभी बनाते हैं कि हम तो बस फूल बूटे ही तुड़के को लगाते रहते हैं, मगर वो क्या करते हैं, प्याज के साथ ही टमाटर डाल देते हैं, तो वो ऐसे ही तड़का लगाते हैं, तो इतनी टेस्टी बनती है आलू गोभी। तो मैं बस चीर कर रख दूंगी, तो वो ही बनाएंगे, क्योंकि ये सुबह को ही खाएंगे। तो अब आज तो सुबह मैंने आलू बैंगन बनाए थे, तो मैंने आप लोगों को मैं पूछना चाहती हूँ कि आप आलू कैसे उबालते हैं। ये तो सबको पता है कि आलू कुकर में उबालते हैं, कई कुकर में उबालते हैं, कोई पतीली में उबालते हैं, मगर मैं कैसे उबालती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मुझे राजमा भी
भिगोना है, क्योंकि कल को मैं आपके साथ राजमा चावल की जो है रेसिपी शेयर करूंगी। मुझे याद है कि जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है, मैंने राजमा की रेसिपी नहीं शेयर की। हाँ, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने राजमा चावल बताए थे, बना रही थी, मगर मैं दिखाया नहीं था, क्योंकि बीच में ही को मेरी मम्मी की सासू माँ की देवरानी आ गई थी नीचे, तो मुझे फिर जाना पड़ा था वीडियो बीच में ही छोड़कर। और फिर ऐसे ही वो राजमा चावल बन गए, हमने खा भी लिए, तो मैंने फिर भी शेयर नहीं किया था क्योंकि उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अब मैं आपसे कल शेयर करूँगी कि हम राजमा कैसे बनाते हैं। अभी पहले मैं आलू रखती हूँ उबलने के लिए, फिर मैंने राजमा भेने हैं और गोभी काटनी है। तो चलिए देखते हैं मैं आलू कैसे उबालती हूँ। आलू मेरे हस्बैंड लेकर आए थे दोपहर में, तो अभी मैं आलू निकाल कर अच्छी तरह से धो लूँगी, क्योंकि अभी नए आलू है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है, तो इसी वजह से तो इसे अच्छी तरह से पहले धोना है, तो फिर मैं उबाल लूँगी इसे, क्योंकि सुबह को खाएंगे मेरे बच्चे आलू के परौठे, तो बड़े बड़ा बेटा खा कर ही जाता है, टिफ़न नहीं लेकर जाता क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाती है। अब तो 1 तारीख को मेरे छोटे बेटे का भी स्कूल लग जाएगा, वो भी जाएगा, मगर जब से उसको पता चला है कि स्कूल खुलने वाला है, उसको तो बहुत ज़्यादा ही धक्का लगा हुआ है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता। तो ये कोरोना की वजह से सब बच्चे इतने ढीठ हो गए हैं कि स्कूल के नाम से ही भागते हैं। मेरे छोटे बेटे का यही हाल है, पता नहीं जब वो जाएगा, जिस दिन स्कूल जाएगा 1 तारीख को, तो वो बहुत रोएगा पहले, मुझे पूरा पता है। तो ये देखिए आलू मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं, अब मैं आलू के 2 पीस कर दूंगी। तो मैं आलू उबालती हूँ जग में, तो जितना जितना मुझे ज़रूरत है, जो बड़े आलू उसके 3 पीस कर दूंगी मैं। तो मैं देखिए अब जग में पानी डाल दूंगी, तो फिर इसे उबाल लूंगी। तो मैंने तो बोला था कि 5 मिनट लगेंगे, मगर ये 5 मिनट से पहले ही उबल गए, क्योंकि ऐसे काट के उबालने से एक तो छेती उबलते हैं, और मैंने ये देखा है, अजमाया हुआ है, कि जब हम काट कर आलू के परौठे बनाते हैं, उबालते हैं, इतने टेस्टी परौठे बनते हैं, एकदम फूले फूले बनते हैं। और ये देखिए मैंने राजमा भी भिगो दिया है, तो मैं 1 चम्मच नमक डालकर इसे सारी रात के लिए इसे छोड़ दूंगी। तो ये चीथड़े राजमा है, तो जो लाल वाले राजमा होते हैं वो कोई नहीं पसंद करता हमारे घर में, तो ये ही बनाते हैं। तो मैंने थोड़े ही राजमा भेजे हैं, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं खाते हैं राजमा, तो उनके लिए कुछ और बनेगा सुबह को। तो ये मैं 1 चम्मच नमक डाल दूंगी, तो ऐसे ही सारी रात छोड़ दूंगी मैं। और इसके बाद फिर मैं ये गोभी कट करूंगी, तो ये देखिए मैंने कवर करके छोड़ दिए है, अब बारी है गोभी की। तो मैं ये गोभी कट कर रही हूँ 1 प्लेट में, क्योंकि ये जो गोभी के डंडल होते मैं फेंकती नहीं हूँ, हमारे जहाँ एक गौ माता आती है तो उसे ही मैं ये सब कुछ डाल देती हूँ, जो रोटी बचती है वो भी मैं डाल देती हूँ, तो ऐसे वेस्ट नहीं करती। तो उसे पता है कि जहाँ से कुछ मिलता है तो वो बाहर ही 2 टाइम आती है, आप यकीन नहीं करेंगे, वो 2 टाइम आती है और बाहर बैठी रहती है। तो जो कुछ भी होता है हम उसे डाल देते हैं, जब नहीं कुछ होता तो जब मैं रोटी बना रही होती हूँ तो 2 रोटी मैं उसके लिए भी बना लेती हूँ। तो अभी वो शाम को, अभी वो 6 बजे के करीब आएगी, तो मैंने पहले से ही प्लेट में डाल दिया है ये डंडल, तो ये देखिए वो आएगी तो मैं डाल दूंगी। तो मैंने गोभी को अच्छी तरह से कर लिया है, तो ऐसे ऐसे मैं हाथों से ही काट दूंगी। गोभी बहुत बढ़िया आती है, कोई कीड़ा नहीं होता गोभी में, गर्मियों में कीड़ा होता है, सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं।
तो मैं ऐसे कट करके रख दूंगी। तो जब वो शाम को आएंगे, 8 बजे आएंगे, 8:30 आएंगे तो बना देंगे, क्योंकि सुबह को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता उनके पास, क्योंकि वो स्पेशली कहते हैं कि गोभी वो ही बनाएंगे। तो मैं काट कर ही रख देती हूँ। तो जमी जमी गोभी। तो ये देखिए, बस 2 मिनट में मेरे आलू तैयार है। गाइस, जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ वीडियो छोटी बनाने की, फिर भी बड़ी वीडियो बन ही जाती है। तो ये देखिए, आलू एकदम तैयार हो चुके हैं, तो उबल चुके हैं। तो अभी मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगी, तो जब ठंडे होंगे तब छीलूंगी। इसका पूरा सामान तैयार करके रख लूंगी, और सुबह सुबह हमारे घर में बनेंगे आलू के परौठे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। यदि आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो कि जग में आलू वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।